इस तरह है तो कहती है, कढ़ाई को उठाकर ले चलते हैं और नदी में फेंक देते हैं। इस तरह दूध और बिल्ली दोनों ही पानी में बह जाएंगे। फिर हम लोग कढ़ाई धोकर वापस ले आएंगे। नदी की तेज धार में ले जाकर बिल्ली और दूध को राजू के मम्मी पापा फेंक देते हैं और कढ़ाई को अच्छी तरह धोकर घर लाते हैं। फिर अपने काम में लग जाते हैं। पानी से संपर्क होते ही बिल्ली पानी वाला भूत बन जाती है और पानी के ऊपर ऊपर ही चलने लगती है। बिल्ली को पानी के ऊपर चलता हुआ देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, हैं? या तो ये बिल्ली भूत है या फिर देवता है। दोनों में से कुछ ना कुछ तो जरूर है जो बिल्ली का रूप बनाकर पानी के ऊपर चल रही है। अचानक एक दिन नदी के किनारे एक शेर पानी पीने के लिए पहुंचता है। बिल्ली शेर को देखकर उसके पास आने लगती है। शेर बिल्ली के ऊपर झपट पड़ता है। बिल्ली पानी के ऊपर ऊपर ही भागने लगती है और शेर तैर कर उसका पीछा करने लगता है। बिल्ली उछलकर शेर के ऊपर बैठ जाती है और अपने पंजे उसकी आंखों में मारकर उसकी आंखें निकाल देती है। शेर अंधा हो जाता है। शेर को अंधा करके बिल्ली उसे छोड़ देती है और शेर दर्द की वजह से तड़प तड़प कर मर जाता है। नदी के तट पर बैठे मल्लाह इस घटना को देखते हैं। मन ही मन बिल्ली को देवता समझने लगते हैं। मल्लाह आपस में बात करते हैं, भाई सच में ये बिल्ली देवता ही है। अगर ये शेर को नहीं मारती तो ये शेर जरूर हम सबको मार कर खा जाता। बिल्ली ने आज हम सबकी जान बचाई। और उस दिन के बाद से मल्लाह बिल्ली को कुछ खाने पीने के लिए लेकर आते रहते हैं। बिल्ली मल्लाहों के द्वारा दिए हुए भोजन को खाकर दूध को पीकर पानी के ऊपर खेलती रहती है। एक दिन शाम को घूमते घूमते राजू के मम्मी पापा उस नदी के किनारे पहुंचते हैं। उन लोगों को देख लेती है, मैं खुद ही तुम्हारी कढ़ाई में छलांग लगाई थी और मर गई थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर गलती होती तो मैं तुम्हें मार चुकी होती। लेकिन तुम मेरी बात मानो, तुम मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए जो भी विधि विधान हो उसे पूरा करो ताकि मेरी आत्मा मुक्त हो जाए। विधि विधान में जो भी पैसे लगेंगे उसकी चिंता मत करना, मैं तुम्हें किसी न किसी रूप में दे दूंगी। राजू सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो जानता है कि बिल्ली के बराबर सोना दान करना पड़ेगा। इतना सोना कहाँ से आएगा और साथ ही पंडित और उसके सामान के खर्चे वो अलग से। राजू सोच ही रहा होता है कि तभी बिल्ली बोलती है, विधि विधान के सारे खर्चे मैंने तुम्हारे घर में पहुंचा दिए हैं। राजू अब तुम पूजा की तैयारी करो ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। राजू अपने मम्मी पापा के साथ घर जाता है और घर जाकर देखता है झोले में भर के सोना, पूजा और खाने का सारा सामान घर में पड़ा होता है। राजू जब देखता है तो खुशी से उछल पड़ता है और विद्वान पंडित को बुलाकर बिल्ली का दाह संस्कार करवाता है और बिल्ली की आत्मा मुक्त हो जाती है। उसके बाद बिल्ली पानी के ऊपर चलती हुई कभी नजर नहीं आती।